अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ लौकी गोश्त। ये है जी लौकी, और ये मैंने ले लिया है तकरीबन है 700 ग्राम गोश्त, और एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर शामिल किया है। और तकरीबन उसी ही साइज़ का जो है ना प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, भरा हुआ 1 चम्मच ना टीस्पून, और सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक थोड़ा सा मैं अभी कम ही रखूँगी, बाद में चेक करके डालूँगी, हमेशा से मैं इसी तरह करती हूँ, थोड़ा कम ही रखती हूँ, क्योंकि अगर कम हो तो दोबारा डाला जा सकता है, अगर तेज़ हो जाए तो फिर मसला होता है। हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही मैं जो है ना वो गरम मसाले शामिल करूँगी साबुत वाले, लेकिन ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि अगर दिल करे एंड पे आपने अगर पिसा हुआ डालना है तो फिर शुरू में ही मसाले ना ज़्यादा डालें। ये 2 अदद लौंग और दालचीनी की 1 टुकड़ी, सिनेमन स्टिक, और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा टीस्पून के हिसाब से। तो मैं मसाले की बात कर रही थी कि मैं इस तरह से या तो पूरे मसाले शुरू में डाल देती हूँ, फिर एंड पे जो है ना थोड़े मिकदार में ज़्यादा डाल देती हूँ, फिर एंड पे मैं पिसा हुआ मसाला नहीं शामिल करती, जो पिसा हुआ गर्म मसाला होता है। तो अगर मैंने दोनों शामिल करने हों तो फिर थोड़े थोड़े शुरू में डाल देती हूँ। और शुरू में क्यों डाल देती हूँ, क्योंकि ये बोटी के अंदर तक जो है ना वो मसाला फिर जज़्ब हो जाता है जितनी देर में इसने पकना होता है। तो जो गर्म मसाला होता है वो तो ज़ाहिर है, मतलब अंदर तक तो जज़्ब नहीं होगा, क्योंकि आप एंड पे शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको जो है ना वो 5 मिनट का वेट दे दूंगी, लेकिन आप लोग अपने गोश्त का हिसाब रख के, मैं जब भी गोश्त लेके आती हूँ ना तो मैं कम टाइम लगाती हूँ, पहले पहले दिन मैं नोट कर लेती हूँ, अगर 1 हफ्ते का लेके आई हूँ या 4 दिन का 5 दिन का, उसी हिसाब से जब मैं पहले दिन पकाती हूँ वो गोश्त जो नया लेके आई हुई होती हूँ ना, तो मैं उसको कम से कम टाइम देती हूँ, फिर मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें अभी कितना टाइम है, फिर मुझे पहले दिन ही आइडिया हो जाता है कि ये वाला जो गोश्त लेके आई हूँ ना ये कितना टाइम लेगा। अच्छा जी, ये भी थोड़ी सी डिटेल बता दी, अभी मैं इसको वेट दूंगी, फिर मैं उसके बाद इसको खोल के, ये जी मैंने ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया। मैं तकरीबन जो है ना वो इसको 12 से 13 मिनट या 15 मिनट भूनूंगी, उसके बाद सब्ज़ी जो लौकी की सब्ज़ी वो इसके अंदर शामिल करूंगी। ये मैं सब्ज़ी शामिल कर रही हूँ, इसको जो है ना मैं सिर्फ मिक्स करूँगी, और मिक्स करके भूनूंगी नहीं इसको, अगर मैं इसको भूनूंगी ना तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर पानी ऊपर से डालना पड़ता है। तो अगर इसी तरह मिक्स करके बस 1 मिनट या 2 मिनट, तो बेशक आप इसको कर लें मिक्स या पका लें, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, लेकिन जैसे कि दूसरी सब्जियों को भुना जाता है उस तरह से इसको नहीं भुना जाता। 2 मिनट इसको भून लें और उसके बाद जो है ना इसको हल्की आंच करके ढाँप लें, और ये अपना ही पानी जो है ना, या कद्दू हो गया, लौकी, या इसकी जो भी जितनी भी फैमिली है ना, इसकी मिलती जुलती सब्जियां होती काफ़ी सारी, इसके साथ मिलती जुलती इसी की फैमिली की होती हैं, और वो इसी तरह से बनती हैं, यानी कि जब आप इसको वॉश करते हो ना तो ये काफ़ी सारा पानी अपने अंदर जज़ब भी कर लेती है ये सब्ज़ी, इसके अंदर ये सलाहियत होती है और इसके अंदर पानी होता भी है। खीरा हो गया, किया कद्दू, तोरी, लौकी, ये सारी चीज़ों के अंदर पानी काफ़ी होता है मिकदार में ना। अब मैं इसको ढांप दूंगी और हल्की आंच पे इसको पकने दूंगी 15 मिनट के लिए। ये मैं इसके अंदर जो है ना एक सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूंगी, नाम तो इसका सब्ज़ मिर्च है लेकिन इसका कलर इतना सब्ज़ नहीं है, और ये इतनी जो है ना वो तेज़ भी नहीं होती ये वाली, मैंने तो यही सुना है, ये बस टेस्ट के लिए होती है और ज़्यादा तेज़ नहीं होती, नहीं तो साइज़ में जितनी बड़ी है ना मैं पूरी ना डालती अगर तेज़ होती तो। कलर इसका थोड़ा हल्का ही है, ग्रीन नहीं है ज़्यादा,
क्योंकि ये काफ़ी सारे इकसाम की होती हैं सब्ज़ मिर्चें भी, कोई अचारी, कोई तीखी, कोई कम तीखी, कोई किसी कलर की, कोई मोटी, कोई लंबी। ये ले जी, मैंने प्रेशर खोल लिया और इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब ये मैंने जो शामिल किया है वो कुटा हुआ ज़ीरा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा है कुटा हुआ और भुना हुआ। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू लगती है। मेरा कैमरा कहीं और का और ही गया होगा। और ये जी रहा सब्ज़ धनिया, ये मेरी हंडिया बस तैयार हो गई है। अब इसको ना भूनना है ना पकाना है ना कुछ, ये फाइनल इसकी लुक है, तैयार। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।